हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड 15। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बेकरी स्टाइल पेटिस। तो चलिए घर में बनाते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी, देख लें। सबसे पहला मैदा ले रही हूँ एक प्याला, या अजवाइन ऐसे क्रश करके डाल दे रही हूँ। इसके बाद घी एक चम्मच डाल, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। घी में अच्छे से मिक्स कर लें, इस तरह से बाइंड हो जाना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे पानी करके अच्छे से डो बना लें, सॉफ्ट डो बना लें, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएं, ज़्यादा मुलायम नहीं करना है, आटा गीला। इस तरह से तैयार हो गया। एक चम्मच तेल डाल के अच्छे से मिला के इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट रख दे रही हूँ। चलिए इसका फिलिंग बना रही हूँ। सबसे पहले तेल एक चम्मच डालें, इसके बाद जीरा डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके सौटे कर लेना है। इस तरह से सौटे कर लें। ये अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट है दरदरा, इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसे भी डाल के अच्छे से भून लें। इसके बाद नमक डाल रही हूँ, ये हल्दी पाउडर है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर भी थोड़ा डालें। इसके बाद गरम मसाला एक चम्मच, और इसे भी डाल के अच्छे से भून लें। और ये बॉयल आलू और मटर बॉयल किया हुआ है, इसे डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें मसाल लेंगे, इसमें इस तरह से मसाल के और थोड़ा सा इसे भी भून लें। इसके बाद धनिया पत्ती डाल रही हूँ चॉप किया हुआ, ये आटा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से इसे लोई बना लें, 3 पीस लोई बना लें इसको। इस तरफ से बना लें और इसके बाद इसे अच्छे से एकदम बेल लें पतला। ये इसके अंदर फिलिंग ये डाल लगाने के लिए बना रही हूँ। मैदा 2 चम्मच ले रही हूँ, तेल 2 चम्मच। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स हो चुका और थोड़ा पतला हो गया था, इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। ये सूखा आटा डाल के, सूखा मैदा डाल के इसे अच्छे से पतला बेल लेना है, जिस तरह से नमकीन आप बेलती हैं उस तरह से बेल लें इसे, बिल्कुल पतला बेला जाएगा। ये इतना थिकनेस है इसका, इस तरह से, इसी तरह हमें 3 पीस बेल लेना है। और जो पेस्ट ये बनाई हूँ इसे लगा लें अंदर, चारों तरफ बराबर लगा लें अच्छे से, और ये एक रोटी इसके ऊपर डाल दें इस तरह से, और फिर इसके ऊपर लगाएं ये जो बना है पेस्ट, ये लगाएं फिर उस पर से एक रोटी और डाल दें इस तरह से। ये बिल्कुल 3 रोटी हो गया एक जगह, ये हो गया। इसके बाद फिर इसे बेल के और थोड़ा पतला कर लेना है, ताकि पतला होने से क्रिस्पी होगा पेटिस के जैसा, नहीं तो मोटा रहने से ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगा। ये कोई चीज़ से गोल शेप काट लें, प्याला या गिलास किसी चीज़ से भी आप काट सकते हैं, बहुत अच्छा पर्त वाली पेटिस होती है, लच्छेदार। ये फिलिंग जो आलू मटर की बनाई थी उसे बीच में डाल देना है साइड में, और पानी चारों तरफ से लगा दें, बिल्कुल किनारा नहीं लगाना है, थोड़ा सा किनारे से अंदर ही लगाना है बीच में। और देखिए इस तरह से इसे इस तरह से दबा दें, बिल्कुल किनारा मुंह नहीं बंद करना है,
थोड़ा नीचे बीच से ही इसे दबा दें इस तरह से। देखिए बीच का ऊपर का खुला हुआ है, सिर्फ बीच से दबाना है हमें इस तरह से। चलिए एक और मैं बना के इस तरह से दिखा दे रही हूँ। पानी लगा के ही करना है, नहीं तो ये खुल जाएगा, तेल पूरा अंदर आ जाएगा। इस तरह से दबा दे। इस तरह से मैं सभी को बना ली हूँ। चलिए फ्राई करके दिखा रहे हैं आपको। फ्राई पैन में तेल डाल रही हूँ, गरम होने के बाद एकदम मीडियम फ्लेम कर देना है। ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाना, नहीं तो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होगा। इसे मीडियम फ्लेम कर देना है, लो मीडियम करके ही फ्राई करना है आपको, तलना है। इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लें। ये बिल्कुल एकदम करारे खास्ता होता है, आप ज़रूर बनाइए। ठंडे के मौसम में नया आलू मटर का सीजन है, एकदम बिल्कुल बेकरी स्टाइल पेटिस है, आप ज़रूर ट्राई करें और इसका टेस्ट कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप जितना देखने में अच्छा लग रहा है बिल्कुल खाने में भी उतना ही टेस्ट अच्छा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।